नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां देश में 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 227 मरीज आए हैं, जहां देश में 24 घंटे में कोरोना के 2 मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3,424 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 198 मरीज ठीक भी हुए हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 5 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना को लेकर ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां देश में केसेस की संख्या में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 227 मरीज मिले हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की जान भी गई है। वहीं देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3,424 है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 198 मरीज ठीक भी हुए हैं। जबकि यूपी की बात करें तो यूपी में कोरोना के पिछले 24 घंटे के जो केसेस हैं वो 5 हैं। 5 नए केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। राज्यवार किस तरह से ये आंकड़ा बढ़ा है ये आप देख सकते हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान सभी जगह कोरोना का अपडेट आपको दे रहे हैं। देश में 198 केसेस। और बढ़ेंगे आगे, जहां कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देश को आगाह किया है। साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नए साल और त्योहारों पर जश्न मनाइए, लेकिन थोड़ा सतर्क रहें। दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसीलिए हमें मास्क और हाथ धोने जैसी सावधानियां रखनी होंगी। पीएम ने कहा है कि हमें सावधान रहना होगा, हम सावधान रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे और हमारी खुशियों में कोई रुकावट नहीं आएगी। जिस तरह कोरोना वैश्विक महामारी के समय में योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं, उसमें इनसे जुड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मेरा आपसे भी आग्रह है कि योग, आयुर्वेद और हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए ऐसे प्रयासों के बारे में अगर आपके पास कुछ जानकारी हो तो उन्हें सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। वहीं बढ़ते कोरोना संकट के बीच यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है ये आप आपको दिखाते हैं, जहां उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का दायित्व हमारी पहली प्राथमिकता है। कई प्रमुख देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत 100% यहां वैक्सीनेटेड उत्तर प्रदेश के नागरिकों को कोविड 19 के नए वेरिएंट BF7 के संक्रमण से बचाव के लिए ड्यू प्रिकॉशनरी डोज हेतु कोविड शील्ड एवं कोवैक्सीन की पर्याप्त मात्रा के अतिरिक्त डोज आपूर्ति करने के लिए मेरे द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया है। यानी कि जिन लोगों को एक्स्ट्रा डोज की जरूरत है, जिन लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत है, वो अब उपलब्ध कराई जाए, इस बाबत भारत सरकार को एक पत्र लिखकर मांग की गई है। वैसे तो ताज का दीदार करने साल भर सैलानी आते हैं, लेकिन क्रिसमस के मौके पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में विदेशी टूरिस्ट भी ताजमहल पहुंच रहे हैं, लेकिन ताजमहल के दोनों गेट पर रैंडम सैंपलिंग और RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। इसका दावा करने वाले स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से नतारा दिखी है, जहां ये कहा गया था कि ये टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि टीम का कोई मेंबर यहां नहीं है। पूरी तरह से टीम के लोग नदारद हैं। ये हाल तब है जब केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। ऐसे संक्रमण फैलता है तो कौन जिम्मेदार होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसका जायजा लिया है ABP गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। कोरोना की संभावित लहर के मद्देनजर भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तमाम गाइडलाइंस जारी कर चुकी है, लेकिन आगरा प्रशासन कितना सुस्त है, स्वास्थ्य विभाग कितना नाकारा है, ये इस तस्वीर से पता चलता है। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ स्वास्थ्य विभाग रैंडम सैंपलिंग की खाना पूर्ति करता है, लेकिन आज संडे का दिन है, क्रिसमस का पर्व है और ऐसे में बड़ी संख्या में आज लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं जो यहाँ रैंडम सैंपलिंग के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम यहाँ अपॉइंट होती है वो पूरी तरह से यहाँ नदारद दिख रही है। कुछ लोग कोविड के मद्देनज़र मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग नहीं लगाए हुए हैं, किसी की भी रैंडम सैंपलिंग नहीं की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि ताजमहल ईस्ट गेट, वेस्ट गेट से लेकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर उनकी RT-PCR टेस्ट के लिए तमाम जो टीमें हैं वो गठित हैं, लगातार सैंपल ले रही हैं, लेकिन
ताजमहल के जो वेस्ट गेट पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नज़र नहीं आ रही है, वहीं दूसरी तरफ सिर से सिर भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में पर्यटक आज ताजमहल का दीदार करने पहुँचे हुए हैं। ऐसे में जिस तरह से चाइना, हांगकांग और जापान जैसे तमाम देशों में स्थिति खराब हुई है, और ऐसे में आरटीपीसीआर टेस्ट करना, रैंडम सैंपलिंग करना, ये बहुत ही कोविड के बेसिक्स हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स में आता है। लेकिन किस तरह से आज कोई भी टीम यहाँ नज़र नहीं आ रही, साफ साफ नज़र आता है कि स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही है। अपनी जिम्मेदारी से स्वास्थ्यकर्मी मुख मोड़ रहे हैं, जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जैसे टूरिज्म डेस्टिनेशन है जैसे ताजमहल जैसी जगहों पर, वहाँ अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए बड़े स्तर पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। तो जो दावे अभी तक प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए गए हैं, वो पूरी तरह खोखले हैं, और यहाँ कोई भी किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ से अगर संक्रमण फैला तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। ऐसी ही कुछ स्थिति वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर की है, जहां कोरोना नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। गेट नंबर 4 पर बड़ी संख्या में भीड़ दर्शन के लिए आती रहती है, लेकिन किसी के मुंह पर मास्क नहीं होता। ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी लंबी कतार है, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। जहां नए साल के मौके पर मंदिरों में और बाबा विश्वनाथ के दर पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं नए साल की शुरुआत उनके आशीर्वाद से करने के लिए, लेकिन यहां भी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना की गाइडलाइन के पालन के निर्देश हैं। इस वक्त हम बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर मौजूद हैं, और आप देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है आपको किस तरह से बेलगाम दिखाई दे रही है। देखिए इस पूरी कतार में आपको कोई भी मास्क का प्रयोग करते नहीं दिखेगा, और इसके साथ आप देखिए यहाँ पर कई पुलिस वाले भी आपको बिना मास्क के दिखाई दे जाएंगे। हालत ये है कि यहाँ पर कोविड की गाइडलाइन का पालन किस कदर है वो तस्वीर भी आपके सामने है। कैमरा देखते ही जो पुलिस वाले हैं वो मास्क लगा लेते हैं, जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर लापरवाह बनी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो बाबा धाम में मास्क लगा के आए हैं। यहाँ कोविड गाइडलाइन का कितना पालन किया जा रहा है? देख के तो लग रहा है कि पालन नहीं किया जा रहा है, कोई कोई लगाए हैं, बाकी सब देख ही रहे हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, मास्क कहाँ है आपका? आप बाबा की सुरक्षा में यहाँ पर हैं, और इसके साथ ही जो आम जनता की सुरक्षा है, मास्क का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? मास्क प्रयोग किया जाएगा ना, कब करेंगे? मास्क ले लेंगे हम, मास्क करेंगे पर प्रयोग करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप मंदिर से हैं? नहीं नहीं, हम यहाँ का प्रशासनिक। मास्क आपने नहीं लगाया? बस रखे हैं, लगा ले। सर बस रखे हैं या लगाते हैं आप? लगाते हैं। मंदिर के ही आप सब हैं या सुरक्षा? आम पब्लिक है। तो आप देखिए इन्होंने मास्क नहीं लगाया है, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए ये सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं सामने, आपको बिना मास्क के दिखाई देंगे। और फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, कैमरा सामने आते ही मंदिर पर खड़े सुरक्षाकर्मी मास्क का प्रयोग करते हैं, और फिर जैसे ही कैमरा पीछे चला जाता है ये सभी मास्क उतार देते हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन किस तरह से हो रहा है, तस्वीर आपके सामने है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। साफ तौर पर देखा गया जहां पुलिस वाले भी मास्क नहीं लगा रहे हैं और ना ही किसी को लगाने के लिए कहते हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों पर वीआईपी गाड़ियां लगवाने के आरोप है। रास्ते में इतनी गाड़ियां खड़ी रहती है कि आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है, जबकि वहां पर पार्किंग नहीं है। एबीपी गंगा ने जब यातायात व्यवस्था के बीच खड़ी गाड़ियों को लेकर सवाल किया तो किनारे पर खड़ी गाड़ियां हटाई गई, लेकिन सरकारी गाड़ियों की सुरक्षा करते पुलिसकर्मी कहते रहे कि साहब के साथ गाड़ी आई है तो खड़ी है। ये गाड़ियों को लेके जो नियम है वो बता दे बंधु, क्या ये गाड़ियाँ कैसे खड़ी? यहाँ पे गाड़ियाँ आती खड़ी होती हैं। प्रशासनिक पार्किंग है? प्रशासनिक पार्किंग है जी, ये प्रशासनिक पार्किंग बनाई गई है, लेकिन लगती है यहाँ पे, ये प्रशासनिक लगती है और किसी की नहीं लग सकती है। कहाँ है और किसी की गाड़ी नहीं? फिर व्यवस्था बिगाड़ेंगे आप। हम क्यों बिगाड़ेंगे, हम तो व्यवस्था बनाने के लिए है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है वो क्या आम जनता के लिए है, प्रशासन के लिए है, किसी नेता के लिए है, किसके लिए है? यहाँ प्रशासनिक गाड़ियाँ क्यों आती हैं, खड़ी होती हैं, आम लोगों के लिए पार्किंग आगे बनी हुई है। और जाम की स्थिति जब पैदा होती है तो हटाते हैं, सब लगे हैं पुलिस, सारी जाम लगा। ये प्रशासनिक गाड़ी है, जरा विशेष जरा तस्वीर दिखाइए,
कि यहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। और अब देखिए, अगर आपको यहाँ पर बाबा के दरबार में दर्शन करने आना है तो मजिस्ट्रेट साहब के साथ आइए, आपका कहना है? नहीं, हमारा क्या कहना, यहाँ गाड़ी आएगी? नहीं, गाड़ी यहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है भाई, पार्किंग यहाँ थोड़ी व्यवस्था है, तो फिर ये गाड़ी भी यहाँ पर आप लोग लगवाते हैं? नहीं, हम लोग नहीं लगवाते यहाँ कोई गाड़ी, हमारे अगेंस्ट कोई नहीं, सब मनाही है कि कोई यहाँ गाड़ी नहीं लगेगी। आप हटवाते हैं? हाँ, हटवाते हैं। इसको हटवाने का अभी हटवाएंगे आप? हटवा दिया जाएगा, हटवाएंगे। काल के लिए देख किसकी ये गाड़ी है, हटवाइए इससे भाई। हमारी मौजूदगी में ये गाड़ी नहीं लगी है, हमारी मौजूदगी में लगी। सर, आपने इसकी शिकायत किया, आपके हाथ में ये वायरलेस है? अभी बता दे रहे हैं हम, अल्फा को बता दे रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये पुलिस विभाग के टाइट सुरक्षा के यहाँ नुमाइंदे हैं, सुनील कुमार चौरसिया नाम है इनका, और अभी ये वायरलेस से इन्होंने अभी ऐलान किया है कि जैसे भी हो, जो भी गाड़ियाँ लगी हैं वो हटे, तो ये गाड़ी हटाई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर प्रशासनिक गाड़ियाँ यहाँ लगती हैं, और इसके साथ ही जो नियम है वो ये बताते हैं। लेकिन आम जनता के लिए अभी भी यहाँ पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आम जनता यहाँ रोजाना सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार से दो चार होती है, और सुरक्षा कर्मी यूं ही आम जनता से बातचीत करते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें बोलते हैं, और आम श्रद्धालु यहाँ से निराश होकर जाता हुआ भी नजर आता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। ये कई व्यवहारिक समस्याएं हैं जो सामने देखने को मिलती है। वहीं काशी विश्वनाथ में कोरोना में लापरवाही को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एबीपी गंगा के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, जहां वाराणसी में कोरोना को लेकर ऐसी लापरवाही आखिर क्यों है, ये बड़ा सवाल है। हाई सिक्योरिटी जोन में कोरोना को लेकर लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्या वीआईपी गाड़ियां लगवाने में व्यस्त रहते हैं पुलिसकर्मी? गाड़ियों की निगरानी में व्यस्त रहेंगे तो सुरक्षा कैसे करेंगे? ये बड़े सवाल कुछ हैं जो एबीपी गंगा उठा रहा है। वाराणसी में कोरोना को लेकर ऐसी लापरवाही आखिर क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों लापरवाह यहां पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं? यातायात की बड़ी समस्या है, जहां पर लंबी लाइनें लगती है, लोगों को पैदल चलना होता है, लेकिन यहां प्रशासनिक गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं। ऐसे में किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं? जो लोग दर्शन करने के लिए दूर दराज से आते हैं काशी विश्वनाथ के, उन्हें खासा समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। और ऐसे में आपने ये भी देखा कि खुद पुलिसकर्मी बिना मास्क के ही वहां ड्यूटी पर हैं, तो क्या कोरोना की गाइडलाइन का पालन जानबूझकर नहीं कराया जा रहा है? जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो क्यों आखिर इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, ये सवाल है। नीतीश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इस पर देंगे, उनकी रिपोर्ट हमने इससे पहले देखी। नीतीश, बताएं कि आपने जिस तरह जब कैमरा लेकर पहुंचे तो काफी सारे जो पुलिसकर्मी थे वो बिना मास्क के थे, आम लोगों ने जो दर्शन करने आए थे उनमें भी बहुत कम संख्या में लोग थे जिन्होंने मास्क लगाया था। क्या इसके बाद कुछ अब सतर्कता दिखी है? क्या जागा है प्रशासन इसे लेकर? सो रहा है प्रशासन, मंदिर प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, आम जनता की सुविधा को लेकर, आम जनता के विचार को लेकर और कोरोना से जो इंतजामों के दावे किए जा रहे हैं उनको लेकर सोता हुआ नजर आ रहा है। अभी की स्थिति आपको बता दूं कि बाबा विश्वनाथ धाम के बाहर जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो बिना मास्क के आपको खड़े दिखाई देंगे। जब कैमरा जाएगा तो जिसके हाथों में जल्दी जल्दी मास्क होगा वो लगा लेता है, और जैसे ही कैमरा हटता है फिर ये बेलगाम हो जाते हैं। तो जब सुरक्षा कर्मी ही मास्क नहीं लगाएंगे तो आम जनता को कैसे जागरूक करेंगे, ये बड़े सवाल है। दूसरी बात, अगर बात करें तो व्यवस्था तंत्र पर वीआईपी कल्चर यहाँ साफ तौर पर हावी होता हुआ दिखाई देता है। अगर प्रशासन की गाड़ियां आएंगी, यानी जिस पुलिसकर्मी के साथ या फिर साहब के खास होंगे, तो आपकी गाड़ी गेट नंबर 4 के बाहर लग जाएगी। लेकिन अगर आप आम श्रद्धालु हैं तो आपको साइकिल वहां नहीं लगाने दी जाएगी। बाकायदा पुलिसकर्मी साहब के साथ आए लोगों की गाड़ियों की सुरक्षा करते हैं, वहां पर पूरी तरह से देखरेख करते हैं, और ये सब कुछ मंदिर के व्यवस्था तंत्र की देखरेख में होता है, ऐसे आरोप भी वहां के आम लोग लगाते हैं। स्थानीय जनता वहां पर जाम से दो चार होती रहती है, लेकिन किनारे पर खड़ी प्रशासनिक गाड़ियों को न तो इसकी परवाह होती है, और प्रशासनिक गाड़ियों के साथ जो साहब के साथ आई हुई गाड़ियां होती है उनके जो ड्राइवर है या फिर वो जो गाड़ियां हैं उनको भी किसी की परवाह नहीं होती है। यानी अगर बाबा विश्वनाथ के दर्शन आपको करना हो तो पहले साहब के खास हो जाइए, फिर गाड़ी लेके आप अंदर आइए, और तब आप व्यवस्था तंत्र के हिस्सा बनकर। साफ तौर पर नीतीश, मंत्रियों ने वीआईपी
कल्चर छोड़ने की बात कही, लेकिन अधिकारियों से वीआईपी कल्चर छूट नहीं रहा है, ये साफ की तस्वीरें बयां कर रखी हैं। और आपने भी जिस तरह से रिपोर्ट दिखाई, बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। शुक्रिया नीतीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर जहां काशी विश्वनाथ में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे में बहुत हद तक सतर्क रहने की जरूरत है और प्रशासन को भी जरूरी है कि जल्द से जल्द अपनी आंखें खोले और कोरोना का जो गाइडलाइन को आदेशित किया गया है उसका पालन जरूर कराए। उधर एक और हादसे की खबर, नशे में धुत कार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। कार की चपेट में आने से कई लोग बाल बाल बचे हैं। कार चालक को पकड़कर लोगों ने अब पुलिस के हवाले कर दिया है। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके की यह घटना है जहां नशे में धुत एक कार चालक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ये शराब पिए हुए कार चालक था और गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी। गाड़ी बेकाबू हो गई, आसपास जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी उनमें टक्कर मारता हुआ ये आगे बढ़ा। गनीमत की बात यह है कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, सिर्फ गाड़ियों को नुकसान हुआ है। फिलहाल इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर आप इस नशेबाज ड्राइवर की देख सकते हैं, जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और वो भी तेज रफ्तार में, और उसका अंजाम ये हुआ कि कई गाड़ियों को इसने क्षति पहुंचाई है। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है। उधर लखनऊ के सैरपुर इलाके में नाले में एक कार गिर गई। नाले में कार गिरने से चार लोगों की मौत हो गई है। चार युवक बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। संदीप यादव, निखिल शुक्ला, अंकित श्रीवास्तव की मौत हो गई है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। चार लोगों की जान गई है। संदीप, निखिल, अंकित, इन मृतक युवकों के नाम है। लखनऊ में हादसा हुआ जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार में चार लोग सवार थे और ये कार गिर गई नाले में। कार सवार चारों लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल सीएम ने भी इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।